के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अखिलेश यादव करहल सीट से अपना पर्चा भरेंगे। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। करहल में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। अखिलेश यादव सड़क मार्ग से सैफई से नामांकन के लिए करहल होते हुए दोपहर 1 बजे के करीब जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि नामांकन के लिए उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के लिए रास्ते में भारी भीड़ होने की भी संभावना है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नामांकन कराने आ रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी में हम मौजूद हैं, यहीं पर वो नामांकन कराएंगे। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव, और साथ ही एक संदेश देने की कोशिश होगी, क्योंकि लगातार विपक्षी दल उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा का चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सेफ सीट का चुनाव किया है। मैनपुरी की करहल सीट समाजवादी पार्टी के किले के रूप में जानी जाती है। आपको सुरक्षा दिखा दें, यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा की गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज नामांकन कराने पहुंचेंगे। इससे पहले तमाम सुरक्षा के उपाय कर लिए गए हैं, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम यहां पर हैं। पुलिसकर्मी सुबह से ही यहां पर तैनात हैं, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचेंगे, 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है नामांकन कराने का, वो नामांकन कराएंगे। सैफई में वो मौजूद हैं कल से, और आज 11:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी पहुंचेंगे और यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम देंगे और उसके बाद वापस लौटेंगे। लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव के द्वारा ये की जा रही है कि जो विपक्षी पार्टी लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा चुनाव में वो कंटेस्ट नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो करहल सीट से आज नामांकन कराने आ रहे हैं। ये सीट 1989 से आज तक समाजवादी पार्टी के किले के रूप में रही है, जानी जाती है, मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी कही जाती है। मैनपुरी से सांसद हैं मुलायम सिंह यादव। 1989 से 2012 तक सुबरन सिंह यादव यहाँ पर विधायक रहे, हालांकि उन्होंने एक बार पाला बदला, बीजेपी में गए, लेकिन उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी में आ गए और अपनी सीट उन्होंने अखिलेश यादव के लिए छोड़ी है। अखिलेश यादव यहां से अब चुनाव लड़ेंगे, और ये माना जा रहा है कि जो जातीय समीकरण है उसके हिसाब से अखिलेश यादव के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट काफ़ी मुफीद है और फिट मानी जाती है। तो आज नामांकन का दिन है, बड़ा दिन है, और संदेश भी यहाँ से कई सारे देने की कोशिश की जाएगी। मैनपुरी से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वही खबर मैनपुरी से, जहां अखिलेश यादव के साथ नामांकन के दौरान कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, सोबरन सिंह यादव मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देवेंद्र यादव, मैनपुरी के सपा जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। धर्मेंद्र शाकिया, रामनाथ बाथम अखिलेश के प्रस्तावक हैं, वो साथ में रहेंगे। इसके अलावा निजामुद्दीन, अहिबरन सिंह जाटव अखिलेश यादव के प्रस्तावक थे, जो कि साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो कई दिग्गज नेता आज अखिलेश यादव जब करहल की सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, इस दौरान उनके साथ में मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, करहल की सीट से चुनावी मैदान में है, और आज जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे तो कई बड़े दिग्गज नेता उनके साथ में नजर आएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने सैफई में अखिलेश यादव से उनकी कोठी पर मुलाकात की। शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव अखिलेश यादव के साथ उनके नामांकन में आज शामिल होने वाले हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आज जब अखिलेश यादव अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे तो उनके साथ में प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आदित्य यादव भी मौजूद रहेंगे। सैफई में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। शिवपाल सिंह यादव और उनके बेटे आज अखिलेश के साथ नामांकन दर्ज करने के दौरान भी साथ में नजर आएंगे। वही चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद आज से यूपी चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार के रण में उतर गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली 5 जिलों को संबोधित करेंगे। 21 विधानसभा सीटों पर प्रधानमंत्री की चौपाल लगने वाली है। जिन जिलों में आज प्रधानमंत्री की वर्चुअल चौपाल होगी, उनमें सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर बागपत और गौतम बुद्ध नगर है। इन सभी जिलों की विधानसभा सीटों पर LED वैन के जरिए वर्चुअल संबोधन का प्रचार प्रसार किया जाएगा।
तो आपको बता दें, पहले चरण के मतदाताओं को आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लखनऊ में एक वर्चुअली संवाद के लिए पूरा सेटअप तैयार किया गया है। अलग अलग वहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं, सोच ईमानदार काम असरदार, जिसमें कि भाजपा के कई दिग्गज नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूरी तैयारी आज के इस वर्चुअल संवाद के लिए कर ली गई है। 5 जिलों की 21 विधानसभा सीट के जो मतदाता हैं, उनको आज प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। नुक्कड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, ये तमाम सीटें आती हैं। इसके अलावा देवबंद, गंगोह, रामपुर, मनिहारन, शामली, बुड़ाना, पुरकाजी, चरथावल, मुजफ्फरनगर, ये तमाम वो सीटें जहां पर पहले चरण में चुनाव होना है और आज वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी यहां पर होगा। क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में चुनाव प्रचार पर रोक लगाई हुई है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब नया तरीका निकाला है। वर्चुअली संवाद किया जाएगा, हालांकि ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही तरफ से यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही जनता सुन पाएगी। वही बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंच चुके हैं। मीडिया से सीधे बातचीत करते हैं, आपको लिए चलते हैं। पहले प्रधानमंत्री, तो देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, 11 बजे से राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। उससे पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने के लिए बजट सत्र में पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मीडिया से अब बातचीत करेंगे, देखना होगा क्या कुछ कहते हैं। संसद भवन परिसर से प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर में संसद सत्र शुरू होगा, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मीडिया से कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है, मैं आप सभी का और देश भर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूं। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन, पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं इस सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं, लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आना वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। मुक्त चर्चा हो, माननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत की, साथ साथ सांसदों से अपील भी की कि हर बार चुनावों की वजह से बजट सत्र, संसद सत्र प्रभावित होता है, इसलिए सभी से अपील है चुनाव अपनी जगह है, संसद की गरिमा को बनाकर रखें। बार बार चुनाव के कारण सत्र प्रभावित होते हैं, ऐसे में ये बहुत जरूरी है जब बजट सत्र की शुरुआत हो रही है तो सभी सांसद गरिमा को बना के रखें। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले कही। अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद में आज बजट सत्र पेश होना है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, उसके बाद कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें सांसदों से कही और एक अपील भी की कि हर बार चुनावों की वजह से सत्र प्रभावित होता है, ऐसे में इस बात का ख्याल रखें, चुनाव आते जाते रहेंगे लेकिन सदन की गरिमा बनाकर रखना हम सभी का काम है। सभी सांसद खुले मन से चर्चा करें, अच्छे मकसद के साथ चर्चा होनी चाहिए और इसी मकसद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राष्ट्रपति का अभिभाषण अब से कुछ देर बाद होगा। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं, अब से कुछ देर बाद अभिभाषण होगा, सदन की कार्यवाही शुरू होगी। और अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद निकल रहे हैं। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं और अब सीधे सदन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा सुरक्षा दस्ता राष्ट्रपति के साथ में मौजूद है और राष्ट्रपति की ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं और सीधे पहुंचेंगे, उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। पूरा सुरक्षा दस्ता उनके साथ में आगे बढ़ता हुआ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं, इससे पहले वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। और अब ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं रामनाथ कोविंद। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए निकले हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही शुरुआत होगी बजट सत्र की और उसके बाद देश का कल आम बजट शुरू पेश किया जाएगा। तो लगातार ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति की गाड़ी आगे बढ़ती हुई, पीछे पूरा सुरक्षा दस्ता आगे बढ़ता हुआ। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही होगी। बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पहुंच चुके हैं और उसके बाद राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं। ये पूरा काफिला रामनाथ कोविंद का आगे बढ़ता हुआ, पूरा सुरक्षा दस्ता आगे बढ़ता हुआ और अब से कुछ देर बाद 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत होगी।
और कल देश का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट सत्र की जो अहम तारीखें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। संसद का बजट सत्र आज पेश होना है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं संसद भवन के लिए, उनके अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। ये जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निकल चुके हैं राष्ट्रपति भवन से संसद भवन के लिए। पूरा सुरक्षा दस्ता उनका उनके साथ में मौजूद है, उनका काफिला निकल चुका है। 11 बजे राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, फिर वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। बजट सत्र 2022 की शुरुआत आज हो जाएगी। किन मुद्दों को उठाया जा सकता है वो भी आपको बता दें। किसानों का मुद्दा बेहद अहम मुद्दा है जिसे सत्र में उठाया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव से जुड़ा भी कोई मुद्दा हो सकता है जिसको उठाया जाए और बजट सत्र में हंगामा हो। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दस्ता आगे बढ़ता हुआ संसद भवन की ओर। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की आज शुरुआत होगी। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने मीडिया को भी संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने सभी सांसदों से भी अपील की कि संसद की गरिमा को बनाकर रखना हमारा काम है। चुनाव आते जाते रहते हैं लेकिन चुनावों की वजह से सत्र प्रभावित होता है, इसका खास ख्याल रखें। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन के लिए निकल चुके हैं। बजट सत्र की शुरुआत में उनका अभिभाषण होगा, इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वे के मतलब को जरा समझिए, पिछले एक साल के दौरान विकास की समीक्षा क्या रही, इसको पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे भविष्य के लिए सुझाव भी देता है, आगे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या प्लानिंग रहने वाली है, इसको लेकर भी बताया जाएगा। बजट से पहले संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वे पेश होता है और इस आर्थिक सर्वे के बाद कल आम बजट पेश किया जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार किया जाता है, जो कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। अब ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं और उसके बाद अब सीधे संसद भवन पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर बाद शुरुआत होगी बजट सत्र की राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही पहुंच चुके हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र से पहले मीडिया को संबोधित भी किया और उन्होंने सांसदों से भी अपील की कि सदन की गरिमा को बनाकर रखना जरूरी है।